एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में। तो फ्रेंड बड़ी अपडेट आ रही है, देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को लेकर। और 25 जुलाई 2022 यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें सतीश रंजन सिन्हा विशेष कार्य पदाधिकारी भेजे हैं सेवा में किसे, प्रबंध निदेशक बेल्टान बिहार पटना को। क्या क्या बातें हैं देख सकते हैं, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत कार्यपालक सहायक के जिला स्तरीय पैनल से कार्यालयों में नियोजित कार्यपालक सहायकों को नियोजन मुक्त किए जाने की स्थिति में उनके पुनर्नियोजन की दिशा में बेल्टान द्वारा किए जाने के संबंध में, मतलब जो कार्यरत हैं उन्हें पुनर्नियोजन के लिए बेल्टान के जो पैनल हैं उनमें शामिल करने की बात कही गई है। देख सकते हैं, निदेशन में कहना है कि बीपीएसएम के अंतर्गत कार्यपालक सहायक के जिला स्तरीय पैनल से अन्य कार्यालयों में नियोजित कार्यपालक सहायकों का नियोजन किए जाने की स्थिति में कार्यपालक सहायकों का परीक्षा आयोजित कराने और बेल्टान के पैनल में शामिल करने की कार्रवाई लंबित है। अतः अनुरोध है कि कार्यपालक सहायक को दक्षता परीक्षा आयोजित कराने और बेल्टान के पैनल में शामिल करने की कार्रवाई की जाए। मतलब आपको बता दें कि बीपीएसएम अपने जो है जिद पर अड़ा हुआ है, जो उसकी नोटिफिकेशन है जिसके हिसाब से, तो उसको चेंजेज नहीं किया है पूर्व के नोटिफिकेशन को। मतलब जो भी कार्यरत अभ्यर्थी हैं तो उनको हर हाल में दक्षता परीक्षा देनी होगी, और दक्षता परीक्षा में पास करते हैं तो उनकी जॉब्स रहेगी, अन्यथा उनकी जॉब समाप्त हो जाएगी। तो जो 3 महीने के शर्त पर जो नियोजन हुआ था बहुत लोगों का, तो उन लोगों के लिए ये नियम जो है लागू है। और बीच में कुछ लोगों का परीक्षाएं हुई, पास हुए, अभी भी कुछ अभ्यर्थी शेष हैं, तो उन लोगों को भी शामिल करने की बात पर अड़ा हुआ है बीपीएसएम। अब आगे देखना है कि क्या होता है। फिलहाल ये जो कार्यरत हैं उनके लिए है, और जिला स्तरीय पैनल से जो बने हुए हैं, एक ही पैनल से देखिए कई तरह की नियुक्तियां हुई। पूर्व में तो नियुक्तियां बिना किसी शर्त के हो रही थी, सिर्फ बेल्टान वाली बात ही नहीं थी, लेकिन बाद में नियमावली हो गई कि अब जो भी भविष्य में वाली होगी बेल्टान के थ्रू होगी, उसमें भी कुछ अभ्यर्थियों का जो नियोजन बेल्टान की बिना शर्त के हुआ, मतलब उसमें बेल्टान की जिक्र नहीं था, लेकिन जैसे जैसे फिर कुछ हुआ तो बेल्टान उसमें शर्त लगा दी। काफ़ी सारे मूवमेंट हुए, आंदोलन हुए, और अभ्यर्थियों के जिद के आगे उन्हें जो लेटर निकाला गया था कि अब बहाली नहीं होगी बेल्टान के द्वारा, वो बहाली फिर से करनी पड़ी। विभिन्न जिलों में जो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे उनके जिद के आगे एनएन झा के नेतृत्व में जो उस समय किया गया था, तो बीपीएसएम ने फिर से एक शर्त के अनुसार ज्वाइनिंग दी 3 माह के, और उस 3 माह के अंतर्गत यह नियम निकाला गया था कि आपको जो है परीक्षाएं होंगी बेल्टान के द्वारा, उसमें पास करेंगे तो आप रहेंगे, अन्यथा जॉब समाप्त हो जाएगी। इस तरह काफ़ी लोगों का जो है ज्वाइनिंग हुआ, जो उस समय जन मोमेंट में थे। काफ़ी भयंकर जो है महा आंदोलन, जन आंदोलन हुआ था, तब जाके ज्वाइनिंग हुई। अब उन्हीं जो शर्तों को, जो परीक्षाएं नहीं हुई है बेल्टान के द्वारा कार्यरत है अभी तक, वही लेने की बात कही गई है। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ अपडेट आएगी आप सभी को जल्द से जल्द अवगत कराया जाएगा। फिलहाल यही सारी अपडेट हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें, बेल्टान की परीक्षाओं में अगर शामिल होते हैं तो उसके क्या जो है प्रक्रियाएं हैं, उसमें 60 नंबर का कंप्यूटर लिया जाता है, और उसमें मिनिमम 30 पास होता है, 30 तरह पास हो सकते हैं उसमें। और फिलहाल कुछ अपडेट नहीं है। विभिन्न जिलों के अभ्यर्थी जो है अपनी जन आंदोलन के लिए आगे सभी अभ्यर्थी जो है कर रहे हैं, सभी
अनियोजित कार्यपालक सहायक अफ्रीकानी को लेकर जो बचे हुए हैं फिर से अपनी जॉइनिंग को लेकर आगे आने की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल जो भी अपडेट होगी आप सभी को दी जाएगी, लेकिन कोई एक्स्ट्रा अपडेट नहीं है। जब आएगी अपडेट दी जाएगी और सभी अभ्यर्थी जॉइनिंग को लेकर एक मीटिंग और करके अपने भावी रणनीति पर रहे हैं और जिससे कि उनकी ज्वाइनिंग हो।